हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? वेलकम टू माय चैनल टेक्नोटेक्स। आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं क्वांटम के ब्लूटूथ हेडफोन्स की। ये हेडफोन्स आप गेमिंग और म्यूजिक दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो अनबॉक्सिंग से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात, हमने टेक्नोटेक्स गेमिंग नाम से और एक चैनल शुरू कर दिया है जिसपे हम गेमिंग करते हैं और लाइव स्ट्रीम करते हैं गेमिंग्स की। तो जाके वो चैनल चेकआउट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो ये है क्वांटम के सोनोट्रिक जेड ब्लूटूथ हेडफोन्स। इस हेडफोन्स में आपको इनबिल्ट माइक मिलता है और डीप बास मिलता है और इसके कुशन्स लेदर्स के, तो ये बहुत सॉफ्ट है, आपके एयर्स को पेन नहीं होगा। और ये HD साउंड में आता है जो है हाई डिफाइंड साउंड। और ये इसकी ब्लूटूथ रेंज है अप टू 10 meters और ये प्ले टाइम देता है 10 आवर्स का। तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये रहा हमारा कटर, अब हम इसे ओपन करते हैं। तो हमने इसे ओपन कर लिया है, अब बॉक्स को ओपन करते हैं। तो बॉक्स हेडफोन्स का कुछ ऐसा आता है। यहाँ पे आपको सोनोट्रिक्स जेड लिखा हुआ आता है और ब्लूटूथ हेडफोन्स लिखा हुआ आता है। तो ये सपोर्ट करता है ब्लूटूथ, जिससे आप ब्लूटूथ को कनेक्ट करके अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और 3.5 mm जैक केबल के साथ आता है। तो ये केबल आप अपने मोबाइल में और हेडफोन्स में इंसर्ट करके म्यूजिक सुन सकते हैं। और एक ऑप्शन है इसमें, आप इसमें SD कार्ड डाल के म्यूजिक सुन सकते हैं। तो अब हम बॉक्स को ओपन करते हैं। तो ये देखिए, हेडफोन्स कुछ ऐसे पैकिंग में आती है। तो ये रहे आपके हेडफोन्स। यहाँ पे क्वांटम की ब्रांडिंग आती है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी मैं हेडफोन्स को साइड में रखता हूँ। ये आपके ऑक्स केबल आती है जो है 3.5 mm जैक की, ये आप देख सकते हैं। ये आपकी USB केबल आती है जिससे आप चार्जिंग कर सकते हैं अपने हेडफोन्स को, तो ये आप देख सकते हैं। तो हम इसे निकाल के बाहर रखते हैं और देखते हैं अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो ये देखिए, ये आपको कैरी पाउच आती है जिसमें आप अपने हेडफोन्स को डाल के कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। और ये पाउच इजी टू हैंडल है, तो आप ये पाउच में हेडफोन्स डाल के कहीं भी हेडफोन्स को ले जा सकते हैं, तो आपको ज़्यादा बर्डन नहीं लगेगा। यह आपका यूज़र मैनुअल आता है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसे पढ़ सकते हैं। तो अब मैं इसे साइड में रख देता हूँ, खैर हमारे ये कुछ काम का नहीं। और ये क्वांटम के तरफ से कुछ कार्ड आता है, तो ये भी हमारे कुछ काम का नहीं है, इसे भी हम साइड में रख देते हैं। तो अब हम बात करते हैं हेडफोन्स के बारे में। तो ये हेडफोन्स कुछ आपको ऐसे मिलते हैं, यहाँ पे आपको कुशनिंग आती है, कुशनिंग की वजह से ये आपके हेड में पेन नहीं होता है। यहाँ पे भी आपको कुशनिंग आती है और कोटिंग आती है लेदर की, तो लेदर की कोटिंग की वजह से ये बहुत ही स्मूथ है, आपके एयर्स को पेन नहीं होता। ये आप देख सकते हैं दोनों भी साइड में बहुत स्मूथ है एयर कप्स में। यहाँ पे आपको लेफ्ट और राइट इंडिकेटर आता है, ये आप देख सकते हैं। तो इसके बैक साइड में भी आपको कुशनिंग आती है और सेंटर में क्वांटम का लोगो आता है। तो ये देखिए, क्वांटम का लोगो आप देख सकते हैं। तो इसकी केबल जो है ये ब्रेडेड में आती है, ब्रेडेड केबल के होने के कारण इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत बढ़िया है, तो ये ब्रेक भी नहीं हो सकती जल्दी। कुछ हेडफोन्स की केबल नॉर्मल में आती है तो वो ज़्यादा स्ट्रेच करने के बाद ब्रेक हो जाती है। तो इसमें आपको हेडफोन्स साइज़ बढ़ाने या कम करने का ऑप्शन मिलता है, तो आप ये देख सकते हैं हम कैसे साइज़ बढ़ाया कम कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट मिलता है और इसका ब्लूटूथ वर्किंग रेंज 10 मीटर का है, तो आप इसको 10 मीटर के अंदर कहीं भी ब्लूटूथ में यूज़ कर सकते हैं। इसका चार्जिंग टाइम है 2 hours का, तो ये 2 hours में फुली चार्ज हो जाता है। और प्लेइंग टाइम है 10 hours का, तो आप इसको 10 hours कंटिन्यूसली यूज़ करके एक बार 2 hours में चार्ज करके 10 hours कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं। और स्टैंड बाई टाइम है 120 hours का, तो आप इसको बिना यूज़ किए 120 hours की चार्जिंग रह सकती है।
तो अब हम इसके बटन्स के बारे में बात करते हैं, इसमें क्या क्या बटन्स और क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का बटन मिलता है, तो इस बटन को प्रेस करके आप हेडफोन्स को ऑन कर सकते हैं, और अगर आपने इसको लॉन्ग प्रेस करके रखा तो ब्लूटूथ ऑन हो जाता है, और अगर फिर से आपने और एक बार लॉन्ग प्रेस करके रखा तो हेडफोन्स को ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आपको कॉल आंसर और म्यूज़िक ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप म्यूज़िक प्ले पॉज या कॉल आंसर कर सकते हैं या डिक्लाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको माइक्रो एसडी कार्ड डालने का ऑप्शन मिलता है, तो इसमें आप अपना एसडी कार्ड डाल के अपने गाने विदाउट मोबाइल को कनेक्ट करके सुन सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑक्स केबल का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप 3.5 mm केबल जो मैंने आपको पहले दिखाई थी वो इसमें इंसर्ट करके अपने मोबाइल से कनेक्ट करके आप हेडफोन्स का यूज़ कर सकते हैं। ये है आपका USB, यहाँ पे आप USB कनेक्ट करके अपने चार्जर को कनेक्ट करके इसे चार्जिंग कर सकते हैं। यह आपको फॉरवर्ड या वॉल्यूम रिड्यूस का बटन मिलता है, तो अगर इसे आपने एक बार टैप किया तो वॉल्यूम रिड्यूस होगा, और अगर आपने इसे टैप करके रखा तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा, और ये आपको बैकवर्ड बटन मिलता है, तो यहाँ पे आप वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसे एक बार टैप किया तो ये वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, और अगर आपने इसे टैप करके रखा तो ये बैकवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लाइट इंडिकेटर मिलता है, तो अगर आप इसे चार्जिंग को लगाएंगे तो यहाँ पे रेड लाइट ब्लिंक होगी, और चार्जिंग फुल होने के बाद पावर ऑन करने के बाद ये लाइट ब्लू होती है, और पावर ऑफ करने के बाद यहाँ पे लाइट ऑफ हो जाती है। अगर हेडफोन स्टैंड बाय में रहे तो इसकी लाइट ब्लू कलर में इंडिकेशन करती है, और अगर ये कनेक्टेड हुआ तो ये ब्लू कलर में इंडिकेशन करती है। तो ये थे कुछ फीचर्स इस हेडफोन्स के। तो अब हम इसे अपने मोबाइल को कनेक्ट करके साउंड क्वालिटी चेक करते हैं, तो देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो अब हमने इसे अपने मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी इंडिकेशन दिखता है, तो अब इसकी बैटरी 60% है, तो आपको इसमें अगर बैटरी डाउन होने लगी तो आपको अपने मोबाइल में पता चल जाएगा। तो अब हम इसमें साउंड क्वालिटी चेक करते हैं। तो ये देखिए, हम साउंड क्वालिटी चेक कर रहे हैं, इसका आवाज़ बहुत ही बढ़िया है, तो आपको हेडफोन्स में म्यूज़िक सुनने के लिए बहुत ही मज़ा आने वाला है, और म्यूज़िक का फील भी बहुत बढ़िया आता है। तो अब हम इसे ऑक्स केबल से कनेक्ट करके चेक करते हैं कि साउंड क्वालिटी कैसी मिलती है। तो अब हम इसे ऑक्स केबल लगा के देखते हैं। तो हमने मोबाइल को ऑक्स केबल लगा ली है, अब हेडफोन्स को भी ऑक्स केबल लगा दिए, तो अब चेक करते हैं इसके ऑक्स केबल लगा के क्वालिटी हमें कैसे देता है। केबल लगाए हुए बात बहुत बढ़िया है, क्वालिटी हेडफोन्स की साउंड की बहुत बढ़िया आ रही है। ये देखिए, हम ऑक्स केबल से गाने सुन रहे हैं, क्वालिटी बहुत ही बढ़िया आ रही है। तो इसकी क्वालिटी हमने चेक कर ली है, अब आते हैं इसकी प्राइस रेंज पे। तो इसकी प्राइस रेंज आपको आती है 1500 से 1800 के बीच में। तो अगर आपको ये परचेस करना हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको कॉन्टैक्ट करके ये हेडफोन्स परचेस कर सकते हैं। और इसमें और एक फीचर है, यहाँ पे उन्होंने सारे स्कैन कोड्स दिए हैं, तो यहाँ पे उनका वेबसाइट का स्कैन कोड है, यहाँ पे उनका सर्विस एंड सपोर्ट का स्कैन कोड है, यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब का स्कैन कोड है। तो आप इन स्कैन कोड को स्कैन करके इनके वेबसाइट्स या सोशल मीडिया सपोर्ट पे जाके इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये हेडफोन्स बहुत ही बढ़िया लग मुड़ी, प्राइस रेंज के हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया है, आप इसे गेमिंग या म्यूज़िक दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं।
और इसे इनबिल्ट माइक है, तो माइक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और इसका बास भी बहुत बढ़िया है। तो हमने टेस्ट किया है इसलिए आपको बता रहे हैं। तो अगर आपको परचेस करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी डिटेल्स दे दी है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तो मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में किसी नए टेक टॉपिक के साथ। जय हिंद। तो रुको जरा, सबर करो। और एक बात, हमने गेमिंग के लिए नया चैनल खोला है, चैनल का नाम है टेक्नोडेक्स गेमिंग। तो जाके वो चैनल चेक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वहाँ पे हमने लाइव स्ट्रीम, गेमिंग के लाइव स्ट्रीम और गेमिंग के वीडियोस डालते हैं। और हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है टेक्नोडेक्स, जाके उसे फॉलो करिए, उसमें आपको हमारी पूरी डिटेल्स या न्यू अपडेट्स मिल जाएगी। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको नए वीडियो में। जय हिंद।